दोस्तों माही मार रहा है ये बात तो सभी सुनते ही रहते हैं, लेकिन माही भाई की जो डाइव है वो काफी समय से किसी ने भी नहीं देखी थी। दरअसल आपको बता दें कि आज माही भाई डाइव मारते हुए नजर आए, और ये डाइव ऐसी वैसी डाइव नहीं थी, ये फुल फ्लेज डाइव थी जिसके अंदर उन्होंने पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए क्रीज के अंदर अपना बल्ला ऐसे जमाया जैसे वो ये बता रहे हों कि उन्हें कोई आउट कर ही नहीं सकता, और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी एक बार मौका आया था उनके पास डाइव मारने का, तब था वर्ल्ड कप का टाइम, और वर्ल्ड कप के टाइम जब माही भाई आउट हुए थे उस एक रन की वजह से जो कि हर किसी को याद ही होगा, उस समय उन्होंने डाइव नहीं लगाई थी। तो शायद अब माही भाई ने एक बात तो गांठ बांध ली है कि उन्हें डाइव हमेशा ही लगानी है। उस समय एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बनी थी कि आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने उस वक्त डाइव क्यों नहीं लगाई, मात्र पॉइंटों के इंचेस से वो रह गए। अगर उन्होंने डाइव लगा दी होती तो शायद वो क्रीज के अंदर होते और शायद इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया होता, क्योंकि सबको माही भाई पर भरोसा इतना था। लेकिन उस एक डाइव ना लगाने की वजह से हजारों करोड़ों भारतीयों की आंखों से आंसू निकल आए थे। बहरहाल ये बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, लेकिन सब जानते हैं कि अगर माही भाई आउट हुए हैं तो इसके पीछे उनकी गलती नहीं हुई होगी, शायद किस्मत ने ही भाग्य नहीं दिया, इसी वजह से माही भाई को आउट का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज जिस तरीके से माही भाई ने डाइव लगाई और जिस तरीके से अपना विकेट बचाया, मानना पड़ेगा कि आईपीएल के अंदर अब भी उनके अंदर इतनी तंदुरुस्ती और साथ ही साथ तो उनकी जो स्वास्थ्य है वो आज भी ऐसा लगता है कि वो एकदम यंगस्टर्स की तरह खेल रहे हों। बहरहाल आज 17 गेंदों पर 18 रन बनाकर माही भाई आउट हो गए, लेकिन उनकी बैटिंग देखने लायक रहेगी, उनकी बैटिंग में 2 चौके भी शामिल थे। कमेंट करके बताएं कि आप महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग देखकर कितने एक्साइटेड होते हैं। सब्सक्राइब करें, देखो देखो।